नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 11 Pro 5G versus Motorola Edge 50 Ultra 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.39 इंच जबकि 50 Ultra में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि 50 Ultra में 2.85 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Reno 11 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि 50 Ultra में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 11 Pro 5G में 181 ग्राम जबकि 50 Ultra में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में AMOLED जबकि 50 Ultra में PoLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 11 Pro 5G में 20:1:9 जबकि 50 Ultra में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 11 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और 50 Ultra में 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 11 Pro 5G में 90.06% जबकि 50 Ultra में 92.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 11 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 50 Ultra में 444 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 24 mm फोकल लेंथ कैरेट 1.56 टिल्डर सेंसर साइज कैरेट 1 माइक्रो एम पिक्सल साइज 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 16 mm फोकल लेंथ कैरेट 4.0 टिल्डर सेंसर साइज कैरेट 1.12 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज 32 MP 2.0 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 47 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.7 टिल्डर सेंसर साइज कैरेट 0.8 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज देखने को मिलता है। और 50 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 अल्ट्रा की बात करें तो उसमें 18 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 50 अल्ट्रा में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में Mali G610MC6 जबकि 50 Ultra में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200Z और 50 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 11 Pro 5G में 256 GB जबकि 50 Ultra में 512 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी रीनो 11 प्रो 5G में 4600 mAh जबकि 50 अल्ट्रा में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 2 कलर्स जबकि 50 अल्ट्रा में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 11 प्रो 5G 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 41,190 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 50 अल्ट्रा की तो वो 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 56,990 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 अल्ट्रा आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 50 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V 30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।